तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पर को मैं गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में जो अमेजिंग मैच हुआ है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। सही में वाला जो मैच था ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि ये मैच आखिरी ओवर तक गया। पंजाब किंग्स वालों ने इतना दिमाग लगाया और लिया हर्षल पटेल को, लेकिन जब इन लोगों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया तो इन लोगों को मिल गया शशांक सिंह, जो मतलब यार कल इतनी अमेजिंग पारी खेल के गया। तो कल के मैच में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है गुजरात टाइटंस की तरफ से देख लो। आई मीन यार, इनकी तरफ बोलते हैं कि बहुत सारे एंकर है, फिर भी मतलब यार 200 तक पहुंची गए। क्या इनकी मतलब यार बैटिंग को दोष देना चाहिए जो मतलब यार 200 से ज्यादा रन नहीं बना पाए, या फिर इनकी बोलिंग को दोष देना चाहिए जो मतलब यार 200 का रन डिफेंड नहीं कर पाए, या फिर इनके फील्डर्स को मतलब यार क्रिटिसाइज करना चाहिए कि इन लोगों ने इतने ज्यादा कैचेस छोड़े? क्योंकि मुझे लगता है गुजरात वाज प्रीटी मच इन द गेम यार। ये इनकी मतलब यार जो बैड फील्डिंग हो रही है शायद उसकी वजह से ये लोग हार रखे हैं कल का मैच। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई। तो देखो, कल मतलब यार गुजरात टाइटंस वालों ने पहले खेला और इनसे मतलब यार मुझे एक ही मतलब यार नाराजगी रहती है कि इनकी टीम में इतने ज्यादा एंकर्स पड़े हुए हैं ना। कल डेविड मिलर इंजर्ड था तो इन लोगों ने कहा हमें एक और एंकर चाहिए, तो ये लोग लेके आ गए केन विलियमसन को। अभी ओपनिंग कर रहे थे रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल, ठीक है। अब इन दोनों ने पावर प्ले में कुछ खास खेला नहीं, 50 के आसपास इन लोगों ने रन बनाए थे। रिद्धिमान शाह 13 बॉलों में 11 रन बना के आउट हो गया, लेकिन एक बार शुभमन गिल की बॉल्स देखो, इस बंदे ने भाई 120 बॉल्स में से 48 बॉल्स खेली। अब इसने 89 रन बना रखे, आई नो, लेकिन इस बंदे ने जो कि मतलब यार इनका बेस्ट बैट्समैन है, वो बंदा सिर्फ मतलब यार 48 बॉल्स खेल रहा है, ये तो मतलब यार बहुत गलत चीज है यार। आपका जो बेस्ट बैट्समैन है उसे तो ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए ना, 60-70 के आसपास इस बंदे ने बॉल्स खेलनी चाहिए थी। तो आखिर इस बंदे ने इतनी ज्यादा बॉल्स क्यों नहीं खेली, इतनी कम बॉल्स में कैसे अटक गया ये बंदा? क्योंकि दूसरे प्लेयर्स बहुत ज्यादा बॉल्स यहां पर को खाने में लगे हुए थे, जैसे केन विलियमसन 22 बॉल में 26 रन तो थोड़ा यहां पर को हुआ। लास्ट में देख लो विजय शंकर 10 बॉलों में 8 रन, कितने एंकर भरोगे भाई अपनी टीम में? साई सुदर्शन कल मतलब यार थोड़ा सा तेज खेल गया पता नहीं कैसे, लेकिन ये बंदा डेफिनेटली यार 400-500 रन हर सीजन में आपको बनाते हुए दिखेगा। शुभमन और साई सुदर्शन मतलब यार यहां तक हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर और कोई एंकर होता है ना तब मुझे मतलब यार दिक्कत है। इनके पास अभी शाहरुख खान है मेरे ख्याल से, फिनिशिंग के लिए उसको लेके आ जाओ ना, खाली में मतलब यार विजय शंकर को तुम लोग खिला रहे हो। अभिनव मनोहर लास्ट सीजन में उतना कमाल का मतलब यार हिटिंग कर रहा था, वो बंदे को भी बैठा रखा है। पता नहीं इनका क्या ऑब्सेशन है यार इतने ज्यादा एंकर से, फिर भी जैसे तैसे करके मतलब यार ये लोग 199 के आसपास बन गए थे। क्योंकि लास्ट में जो राहुल देवत्या था, जो मतलब यार काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड मतलब यार फिनिशर है, इस बंदे को कभी भी इंडियन टीम के लिए कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन ये बंदा लास्ट 3-4 सीजन से शायद कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहा है, कंसिस्टेंटली गुजरात की तरफ से फिनिश करते हुए आ रहा है। कल भी इस बंदे ने 8 बॉलों में 23 रन बनाए, तो मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस ने जैसे तैसे करके यार ठीक ठाक स्कोर बना दिया था, इस चीज को इन्हें डिफेंड करना चाहिए था। लेकिन पहले पंजाब किंग्स की बोलिंग की बात करते हैं, जहां पर को हरप्रीत ब्रार, जिसे मैं कहता हूं ना भाई इनका सबसे बेस्ट स्पिनर है, कल इसको शिखर धवन ने फाइनली यार 4 के 4 ओवर दे दिए। इससे पहले वाले मैच में सिर्फ 2 ओवर दिए थे, शायद मेरी वीडियो देखी थी यार, तो 4 ओवर इसको दिए, 33 रन इस बंदे ने दिए और सिर्फ 1 विकेट ये बंदा लेके गया। लेकिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बोलिंग ये बंदा यहां पे वो करा के गया। अच्छा हुआ कल मतलब यार राहुल चेयर नहीं था, अगर राहुल चेयर होता उसको 4 दे देते, इसको 2 ही देते भाई। तो हरप्रीत ब्रार ने बहुत अच्छी बोलिंग करा रखी है, अर्शदीप सिंह ने भी मेरे ख्याल से अच्छी बोलिंग कराई, 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं लेके गया, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। और यहां पर को हर्षल पटेल 4 ओवर में 44 रन 1 विकेट, क्या बोलूं हर्षल पटेल के बारे में, हर मैच में ये बंदा 40 से ज्यादा रन बिटाने में लगा हुआ है। मतलब आरसीबी ने बहुत ज्यादा गलतियां की होंगी, लेकिन इस बंदे को जो मतलब यार उन लोगों ने रिलीज किया ना, बहुत ही अच्छा डिसीजन था भाई। ये बंदा मतलब यार बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस देने में, आरसीबी में तो चलो जैसा भी देता था, लेकिन पंजाब में आने के बाद तो और गंदा हो गया है, हर मैच में 40 से ज्यादा रन। यार भाई कुछ तो अच्छा कर ले हर्षल पटेल। लास्ट में सिकंदर रजा ने भी यार 2 ओवर में 22 रन दे दिए थे, तो मेरे ख्याल से पंजाब वाले बोल से थोड़ा सा ढीले थे, लास्ट में मतलब यार दे ही दिए इन लोगों ने 199 रन भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यार गुजरात जैसा मैदान है यहां पर को चेज हो जाता है, पता है आप लोगों को। तो यहां पर को यही वाला माइंडसेट ये लोग लेके आए थे, लेकिन इनके पास उतनी अच्छी बैटिंग नहीं थी, उतने अच्छे बड़े नाम नहीं थे, जैसे मतलब यार धवन बेस्टो है, धवन को लास्ट मैचेस में देखा होगा कुछ खास कर नहीं रहे थे। सेम फॉर बेस्टो, प्रभसिमरन एकमात्र इनके पास था जो थोड़ा मारता है, सैम करन तो यार मतलब एंकर टाइप वाला प्लेयर है, रजा से आप लोग मतलब यार वो बहुत ही तेज वाली इनिंग्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो लियम लिविंगस्टोन की एब्सेंस में ना किसी इंडियन प्लेयर को डेफिनेटली स्टेप अप करना था, और एक्जैक्टली हुआ यही बताए, अभी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं धवन और बेस्टो से, जहां को धवन भैया जल्दी निकल गए, उमेश यादव ने पावर प्ले में अच्छी बोलिंग कराई, 1 विकेट लेके चले गए। फिर मतलब यार बेस्टो थोड़ा मारना जारी रख रहा था, लेकिन ये बंदा भी ज्यादा नहीं टिक पाया, 13 बॉलों में 22 रन बना के बंदा आउट हो गया। प्रभसिमरन जो इनका मतलब यार कल तुरुप का इक्का था, बिकॉज यार लियम लिविंगस्टोन की एब्सेंस में ये बंदे के ऊपर मतलब यार हिटिंग की दारोमदार थी, बंदे ने मारा भी यार ऐसी बात नहीं है, 24 बॉलों में 35 रन बनाए, लेकिन इट वॉज नॉट इनफ भाई, थोड़ा लास्ट तक रुकना चाहिए था। सैम करन ने 8 बॉलों में 5 रन बनाए, लेकिन यहां पर कोई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी पता है, इन लोगों के बाद जितेश शर्मा था, शशांक सिंह था, इन लोगों ने किसको ऊपर भेजा भाई? सिकंदर रजा को। मतलब यार तुम्हें वहां पर कोई इतना ज्यादा रन रेट चाहिए था, इन लोगों ने सिकंदर रजा को ऊपर भेज दिया, वो तो सिकंदर रजा आउट हो गया बोलो, नहीं तो दिक्कत हो जाने वाली थी। जो भी वो रजा का आउट होना इन लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप का हुआ, क्योंकि उसके बाद आया शशांक सिंह, जिसने क्या कमाल की पारी खेली यार। इस बंदे को इनिशियली मतलब पंजाब वाले लेना भी नहीं चाह रहे थे, ये बंदा गलती से आया और उसके बाद इतनी कमाल की इनिंग्स खेल के जा रहा है, 29 बॉल्स में 61 रन यार।
चार इसका साथ दिया आशुतोष शर्मा भाई ने, जिसने 17 बॉलों में 31 रन देके बहुत ही ज्यादा कमाल का फिनिश किया। देखो जब आपके पास मतलब यार बड़े स्टार्स नहीं होते ना, आपको क्या चाहिए होता है बताए, आपको चाहिए होता है इंडियन प्लेयर्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा कमाल का परफॉर्मेंस, और कल पंजाब की टीम में एक्जैक्टली हुई हो रखा है बताए। चाहे आप आशुतोष शर्मा की 17 बॉलों में 31 रन की पारी बोल लो, शशांक ने तो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का खेल लगाया, बहुत मतलब यार शायद 20-21 बॉल में इस बंदे ने शायद 50 मार दी थी, तो 29 बॉल्स में इस बंदे ने 61 रन बनाए। जितेश शर्मा भी मतलब यार एक कैमियो तो करके गया, 2 बॉल में 2 छक्के मारे राशिद खान को, लेकिन उसके बाद ये बंदा आउट हो गया। 8 बॉल में 16 रन इस बंदे ने भी बनाए थे। तो मेरे ख्याल से पंजाब की जो बैटिंग है एज अ बैटिंग यूनिट क्लिक कर गई। लेकिन एक बार गुजरात की बोलिंग की तरफ भी नजर मार लेते हैं, जहां पे को अजमतुल्ला उमरजई 4 ओवर में 41 रन 1 विकेट, उमेश यादव 3 ओवर में 35 रन 1 विकेट, राशिद खान 4 ओवर में 40 रन 1 विकेट। राशिद इस बार थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है बताया, नूर अहमद ने सबसे ज्यादा बेहतरीन बोलिंग कराई इनकी तरफ से, 4 ओवर में 32 रन 2 विकेट। ये बंदा लेफ्ट हैंडर्स को तो मतलब यार बहुत ज्यादा कमाल की बोलिंग डालता है, राइट हैंडर्स के खिलाफ अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सोचो जब ये बंदा मतलब यार राइट हैंडर्स को भी बहुत ज्यादा कमाल की बोलिंग कराने लगेगा, एक तरफ से राशिद खान दूसरी तरफ से नूर अहमद, भाई गुजरात की जो बोलिंग है बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। मोहित शर्मा डेथ में बहुत ज्यादा कमाल की बोलिंग कराता है, ऑल्दो ये बंदा मतलब यार अपने आखिरी ओवर में पिट गया था, जिसकी वजह से शायद पंजाब किंग्स जीती। अगर इसके ओवर में रन नहीं आते ना, वो 19वें ओवर में रन नहीं आते ना, तो भाई पंजाब किंग्स हार जाने वाली थी। लेकिन इसी बंदे को टारगेट किया और आखिरी ओवर में ये बंदा पिट गया था, 4 ओवर में 38 एक विकेट ये भी लेके गया था, और लास्ट ओवर दिया इन लोगों ने दर्शन नालकांडे को। इससे पहले वाले मैच में वो बंदा 2 ओवर करा रहा था, इस मैच में आखिरी ओवर दे दिया। पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी है गुजरात की तरफ से, भी लग रहा है कि यार थोड़ा मैनेजमेंट मतलब यार भूसी टाइप का गया है। लेट्स सी अगले मैचेस में क्या करते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये मानना है कि कल ये लोग मैच क्यों आ रहे बताए, इतने ज्यादा जो कैच ड्रॉप्स किए थे, ऐसा नहीं था कि यार इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, ऐसा नहीं था कि यार जो वो 199 का इन्होंने स्कोर बनाया था वो कम पड़ गया था, बहुत रन थे भाई, जो बॉलर थे बोलिंग भी अच्छी करा रहे थे, कितने कैचे छोड़े, एक ही ओवर में शायद 2 कैच छोड़े थे मोहित शर्मा के जहां तक मुझे याद है। तो ऐसी चीजें करने से बचना पड़ेगा इन लोगों। तो यार आज का रिव्यू बस इतना ही है, आई होप आपको मजा आया होगा। लेकिन आपसे मैं जाने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर को जाके ज्वाइन कर सकते हो। मीम देता हूं, अपडेट देता हूं, बहुत सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं, तो जाओ भाई अभी ज्वाइन करो मेरे भाई।